तो फिलहाल दोस्तों अभी हमारा एक्ट होने वाला है और अभी फिलहाल कुछ ना कुछ ऐसा हमारा लुकअप है। पैर में दर्द नहीं है, दर्द तो दिल में है। तू सुनेगा नहीं मेरी कहानी, तू सुन। निकाल लो मुझे यहाँ से, मैं मर जाऊंगा। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिवम गोस्वामी और स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो पे। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अखंड जो दीप दिखने, मतलब वहाँ पे दिया जलती है और करीबन 1960 कुछ में आपका दिया जली थी और अभी तक का मतलब चालू है। एंड यहाँ से एंट्रेंस कुछ ऐसा है, लुक एट दिस। ये सामने देख सकते हैं, दिस इज़ अ फुल माइंड मैप, मतलब पूरा आपका कंस्ट्रक्शन, मतलब कहाँ कहाँ क्या है वो पूरा यहाँ पे मैं बिल्डिंग के द्वारा बताया। छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए हैं, मोन्यूमेंट टाइप के बनाए, छोटे छोटे बहुत छोटे वो है यहाँ पे। और इतना मतलब प्यारा लग रहा है दूर से देखने में ना, बहुत ही पत्ते ही सुंदर लग रहा है। अगर कोई मतलब जैसे ना अगर इसकी सिनेमेटिक्राफी करें ना, एकदम ड्रोन शॉट आएगा इसमें, लुकिंग लाइक बिल्डिंग लगेगी, मतलब एकदम सी मतलब रियलिटी वाली, रियल वाली। और जैसे मैंने आपको दिखाया अभी ऊपर की जो ये आमा बुबू थे, इन दोनों के कहाँ सोते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, सब कुछ दिखाया। एंड अभी फिलहाल ये देखने मॉन्यूमेंट देखने आए, ये बिल्डिंग देखने आए थे छोटी मोटी। अब बाहर को चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, बाय बाय। तो अभी हम आए हैं अस्पताल में और यहाँ हो रखा है देख सकते हैं, और यहाँ हो रही है मेरी तबीयत ख़राब, सर दर्द हो रहा है, बुखार आने वाला है और पूरी बॉडी गर्म हो रही है। एंड कल रात तो भाई साहब थोड़ी तबीयत डाउन ही थी और अभी तो हो रही है। एंड अभी यहाँ पे काउंटर पे अभी से गाइड कर रहे हैं और अभी यहाँ पर्ची काटते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, बाय बाय। फिलहाल दोस्तों अभी हम कब रेडी हो रहे हैं अपने एक्टिंग के लिए। एंड मूवी देख सकते हैं कितना लाल हो चुका है, लाल क्या आँख लाल हो चुकी है, नाक लाल हो चुकी है, बिकॉज मैं अभी थोड़ा एक्ट में रोया, उसमें एक्ट में रोना भी है, बहुत हंसना भी है, खेलना भी, सब कुछ है। और ये रहा हमारा सेंट्रल जेल, लुक एट दिस, ये हमारे पूल रहेंगे और कुछ ऐसा है अपना। एंड इस कमरे में अभी अकेला हूँ, थोड़ा मेरा कमर में भी दर्द हो रहा था तो मैंने बाम लगाया, एंड थोड़ा बाम मैंने अपने आँख में भी लगाया और उससे इतनी जलन मची ना भाई साहब, सब कुछ याद आ गया, मतलब अम्मा बहन सब कुछ याद आ चुकी है। एंड इतना दर्द हुआ ना यार, फिर मैंने कहा यार काश ठीक हो जाता, मम्मी होते कुछ उपाय देती, दीदी होती कुछ उपाय देती, पापा होते कुछ उपाय देते, भाई साहब सब याद आ गए अभी। तो हालत ख़राब हो चुकी है, अभी चलते हैं, बाकी आपको वहीं मिलते हैं, बाय बाय। फिलहाल दोस्तों अभी हमारा एक्ट होने वाला है और अभी फिलहाल कुछ ना कुछ ऐसा हमारा लुकअप है और अभी फिलहाल थोड़ा चलते हैं और अभी फिलहाल चप्पू निकाला, उसके बाद चप्पू बहुत आएगा, तो आप चलते मिलते हैं, बाय। ठीक है।
अपने कमरे में जा रहा हूँ, मम्मी पापा आ जाएंगे, मुझे बुला लियो ठीक है। अरे रोहन, अरे रोहन अभी नहीं खेलना, अरे बाद में खेलेंगे। रोहन मुझे घुट क्यों दिखा रहे हैं? रोहन मुझे दर्द हो रहा है। रोहन मेरे कपड़े मत उतार। रोहन मेरा पैर मत खींच। रोहन रोहन को देख के बहुत डर लगने लगा। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे कभी बात नहीं करूंगा, कभी नहीं। मुझे कहीं से आता हूँ दिखता, तुम्हें चुप जाता हूँ। ऐसा लगता कि मैं उस घर में उसके साथ जबरदस्ती रह रहा हूँ। मैं उसे एक बार सपने की तरह भुला लेना चाहता था, लेकिन जब भी मैं रात को सोने की कोशिश करता, मुझे मेरी चीखें सुनाई देती। वो दर्द याद आ जाता था। मैं उसे एक बार सपने की तरह भुला ले जाता, लेकिन रोहन मेरे पास फिर से आया। मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगा। रोहन तू भी मेरे से कभी बात मत करना। रोहन मेरा पैर मत खींच। रोहन ने वो हरकत मेरे साथ फिर से करी। मैं बहुत चिखा चिल्ला, पर वो नहीं रुका। मैंने सोचा मेरा भाई था ना, लेकिन रोहन नहीं रुका। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, किसे बताऊं, क्या करूं। अभी मुझे पापा दिखाई देते हैं। पापा रोहन ने मेरे साथ अच्छा नहीं करा। पापा मेरी बात तो सुन लो। पापा मेरी किसी बात का यकीन नहीं करा। क्यों करते उनका पागल बेटा था ना, पागल। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अभी सोचा अपनी जान लेता हूँ, ये अभी मैं उस काट लूं। कैसे अपनी नस काट लेता। सोचा रोहन की जान लेता हूँ। मैं रॉड उठा के रोहन के पीछे रोहन तुझे मरना होगा अगर मैं इसको नहीं मारूंगा। अगर इसको नहीं मारूंगा तो ये सबको सच सच बता देगा। सबको सच। रोहन तुझे मरना होगा। रोहन मम्मी मैंने नहीं मारा। मम्मी उस दिन से वो लोग मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। कोई उन्हें बोलो कि मुझे लेने आए। मैं यहाँ तड़प तड़प के मर रहा हूँ। और कोई सुनता भी नहीं मेरी। लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ। धन्यवाद। चल गाइस, अभी हमारा यहाँ पे भोजन आ चुका है। और क्या क्या बना है आज, अभी बताइए कुछ। आज बना है आलू की परांठी, छोली बनी है, भात बना है, रोटी बनी है। मजा आ रहा है खाने में। क्या कहते उसका नाम, क्या कहते कड़ी भात के साथ कड़ी खा रही थी हम कल, पता कला खा रहे थे। और आज हम ऐसे खा रहे हैं, हम दोनों साथ साथ आज पलियो खा रहे हैं। आज हम खाने के बाद आपसे मिलते हैं। बाय बाय।
अभी गाइस हम रूम में आ चुके हैं और फिलहाल अभी जो कंपटीशन था उसमें तो अभी कुछ आया नहीं, तो कोई बात नहीं। फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे स्टार्ट मतलब एंड करते हैं। आप आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा लाइक कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते जल्दी को नए वीडियो के साथ, टेक केयर, लव यू सो मच, बाय बाय।